हमने रोड्स बनवाए हैं, इसमें समस्तावाद है कि कमरानी 1, 2, 3, 4 है, इसमें शावलियों का इलाका है और इसमें तकरीबन 40 किलोमीटर, मतलब मैं अगर हम सब में बताऊँ 40 किलोमीटर हमने रोड किए हैं। इसमें वाटर हेड टैंक्स हमने किए हैं समस्तावाद के लिए, फुट सोल हमने दिया है कि कमरानी को, और इसके अलावा ट्यूबवेल्स हमने 4 अप्लाई की, 2 हमारे अप्रूव हुए हैं, एक समस्तावाद के लिए, एक किली कमरानी के लिए। इसके अलावा जाम साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उनका खास तवज्जो क्वेटा पे है, क्वेटा मास्टर प्लान पे है, और मैं मैडम बुशरा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने भी अपने स्कीमों में हमारे काफ़ी सरयाब की स्कीम डाले हैं, जिसमें उनने अभी जिक्र किया है लाइट्स का और रोड्स का। और एक जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी खुशखबरी है सरयाब के लिए और क्वेटा के लिए, कि जो रेडियो पाकिस्तान की ज़मीन थी उसकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ दिन पहले सीएम हाउस में किया है, वो तकरीबन 2 से 3 चीफ मिनिस्टर्स कोशिश कर रहे थे कि वो ज़मीन का मसला हल हो और वो कुछ उधर भी स्कीम लेकर आए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जाम साहब की मेहनतों से और मैं समझता हूँ सरयाब के आवाम की दुआओं से वो गोल अचीव हुआ है, जिसमें 3 अरब रुपए उसमें 2019 के PSDP में अप्रूव हुए हैं स्पोर्ट्स सिटी के लिए, और प्राइवेटली उसमें मैं खुद जो कोशिश कर रहा हूँ सीएम साहब के साथ मेरी कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं, हम एक फ्री हॉस्पिटल उधर लेकर आए और उसका फ़ंड भी हम खुद लेकर आ रहे हैं, साथ में एक मेडिकल कॉलेज लेकर आ रहे हैं उसका भी फ़ंड हम प्राइवेटली लेकर आ रहे हैं, और एक बहुत बड़ा पार्क विद एक बहुत बड़ी मस्जिद जिसमें हम सरयाब की आवाम सारी जितनी भी है एक जगह वहाँ जामा नमाज़ पढ़ सकें, ईद नमाज़ पढ़ सकें इत्तेफाक से। तो ये कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ ये कुछ किस्मती है हमारी और जाम साहब की मेहनत और उनकी मुश्रा और जितने हमारे साथी हैं मिनिस्टर्स हैं हमारी पार्टी के जो सब मेहनत कर रहे हैं, इससे काफ़ी चीज़ों प्रोग्रेस हुई है।